हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले जो है 9 पार्ट जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम को, तो डिटेल में कवर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो जिन्होंने जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल में, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में ऑलरेडी जो है हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसके बाद हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थ्योरी को जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में टॉपिक वाइज कवर कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं वॉच किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जल्दी हम जो है इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसीज और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इन सभी यूनिट्स को जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर करने वाले हैं। और अभी हमने जो है वीडियोस की रफ्तार जो है बढ़ा दिया, एक दिन में 2 वीडियोस भी आ रही हैं, और अगर मिनिमम तो एक वीडियो तो जरूर हर दिन आ रही है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम? टू पार्टी सिस्टम का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल मल्टीपल पार्टीज कंपीट इक्वली एंड कोलिशन गवर्नमेंट आर कॉमन। बी, वन पार्टी डोमिनेंट डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफन लीडिंग टू अ वन पार्टी स्टेट। सी, टू मेजर पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप विद माइनर पार्टीज हैविंग लिटिल चांस ऑफ गेनिंग पावर। या फिर डी, पार्टीज आर बैंड एंड नो फॉर्मल पॉलिटिकल अपोजिशन इज अलाउड। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? टू पार्टी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? वहां पे पहले तो 2 पार्टीज होंगी जो डोमिनेट करेंगी। वहां पे हो सकता है छोटी पार्टीज भी हों, स्मॉल पार्टीज, लेकिन उनका इतना माइनर रोल होता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। तो इसलिए 2 जो मुख्य पार्टीज हैं वो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जहां पे टू मेजर पार्टीज जो है डोमिनेट करती हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पे जो है 2 पार्टी सिस्टम है। तो वहां पे माइनर पार्टीज एग्जिस्ट बट रियली गेन सिग्निफिकेंट पावर ऑफ आर रिप्रेजेंटेशन। उनके पास बहुत कम पावर होती है, तो इसलिए वो निग्लिजिबल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है पोलिटिकल पार्टीज का प्राइमरी फंक्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए, टू कंट्रोल द मीडिया एंड सुप्रेस ओपोजिशन। बी, टू रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डिबेट। सी, टू अपॉइंट जजेस एंड कंट्रोल द जुडिशरी। डी, टू कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशन एंड डिफेंड द कंट्री। तो इनमें से राइट आंसर क्या? पोलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन होता है? तो उनका फंक्शन प्राइमरी क्या होता है? डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट जो है लोगों के, जो है पीपल के जो डाइवर्स इंटरेस्ट है उनको रिप्रेजेंट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि जो है लोग जो है अपनी आवाज़ को रेज कर सकें, गवर्नमेंट के समक्ष जो है पहुंचा सकें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, टू रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डिबेट। यहाँ पे जो है इंटरेस्ट जो एग्रीगेशन का काम किया जाता है, किसके द्वारा? पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा। जैसे गैब्रियल आलमर्ट की आप थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिटीजन्स को मौका देती हैं ताकि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और अपनी जो डिमांड्स है वो सामने रख सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्टी सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस अ कोलिशन गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी जो सिस्टम है जिसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या करेगी? कोलिशन गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करेगी। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल पार्टी सिस्टम। बी, टू पार्टी सिस्टम। सी, मल्टी पार्टी सिस्टम। या डी, नो पार्टी सिस्टम। तो जहाँ कहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट के बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं? जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी एक पार्टी को जो है बहुमत हासिल होना जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है कोलिशन गवर्नमेंट अक्सर फ्रेम की जाती है। जैसे इंडिया में भी देखोगे तो कोलिशन गवर्नमेंट काफ़ी टाइम रह चुकी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई, उसके बाद यूपीए में भी, यूपीए सरकार में भी चली है कोलिशन गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट जो है कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है? जहाँ पे
इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम नो सिंगल पार्टी ऑफन, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे जो है अक्सर एक पार्टी जो है अचीव नहीं कर पाती मेजोरिटी, इसलिए वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रेम होने के, ठीक है, जैसे इटली और नीदरलैंड एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का इनमें से एग्जाम्पल क्या है, कौन सा देश जो है वहां पे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए द यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूनाइटेड, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हो गया जहां पे सिंगल पार्टी का रूल हो, ठीक है, सी जापान, डी फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा, यूके और यूएस में तो आपको बताइए मल्टी पार्टी, सॉरी ड्यूल पार्टी सिस्टम है, तो जापान जो है इसका एग्जाम्पल है, जहां पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रूल करती है, हैज बीन अ पावर मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1958, जब से पावर में है, जब फाउंड हुई है तो उस मैक्सिमम टाइम जो है इसी ने ही रूल किया है, तो ये डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। एमसीक्यू जो नंबर फिफ्थ है, विच इलेक्टोरल सिस्टम टेंड्स टू फेवर अ टू पार्टी सिस्टम, इनमें से कौन सा जो इलेक्टोरल सिस्टम है जो टू पार्टी सिस्टम को फेवर करता है, टू पार्टी सिस्टम को फेवर करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, सी फर्स्ट पास द पोस्ट, डी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो टू पार्टी सिस्टम जो है वहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो भी मेजोरिटी को हासिल करेगा वही जो है गवर्नमेंट को फ्रेम करेगा, ठीक है, विनर टेक्स ऑल, जो भी जीतेगा वो सब कुछ ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है जो जो लूजर है या फिर जो जो हार जाता है, जिन्होंने उस मेजोरिटी को क्रॉस नहीं किया, वो उतने मैक्सिमम वोट्स जो है वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को, उनके द्वारा जो नुमाइंदे चुने गए उनको रिप्रेजेंटेशन का बहुत कम मौका मिलता है। तो इसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी जो है इक्वली रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, वहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से जो है सीट्स को एलोकेट किया जाता है, ठीक। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में जो है ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। ऑप्शन नंबर ए अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय अ सिंगल पार्टी विद अ क्लियर मेजोरिटी, बी अ टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग अ नेशनल एमरजेंसी, सी अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय मल्टीपल पार्टीज हु एग्री टू वर्क टुगेदर, या फिर डी अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय मिलिट्री लीडर्स आफ्टर अ कूप। तो राइट आंसर क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, वो एग्री टू वर्क टुगेदर, जो एग्री हो जाती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए, सरकार बनाने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है एक 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 पार्टी जो है जब मिलकर सरकार, उसको सीट्स हासिल नहीं होती है, बहुमत हासिल नहीं होता, तो वो क्या करती है दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार को बनाती है, या फिर बहुमत मिलने के बाद भी वो क्या कर सकती हैं दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं और सरकार को रन कर सकती हैं। जैसे एनडीए देखोगे तो इसने जो है लास्ट टाइम जो है इसने बहुमत अचीव कर लिया था, आई थिंक 303 के अराउंड जो था इनकी सीट्स थी खुद की, तो 272 चाहिए थी, तो एनडीए के पास जो बीजेपी है उसके पास ऑलरेडी मेजोरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है दूसरी पार्टी को अपने साथ मिलाकर जो है सरकार बनाई थी। तो ये मतलब कहने का मतलब है ये जब मेजोरिटी ना हो तब कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, या फिर मेजोरिटी होने के बाद भी दूसरी पार्टी को अपने साथ मिला सकती है और साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, कॉमन इन मल्टी पार्टीज, ये कॉमन है किसमें, मल्टी पार्टी सिस्टम में, जैसे एग्जांपल है जर्मनी एंड इसराइल, और इंडिया भी इसकी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेन एडवांटेज क्या है सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल है जो। ऑप्शन नंबर ए द यूजली रिजल्ट इन अ टू पार्टी सिस्टम, ये वहां पे होता है जहां पे टू पार्टी सिस्टम होता है, इसका एडवांटेज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर बी दे इंश्योर अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ वोटर प्रेफरेंसेस इन देयर लेजिस्लेचर, सी दे मेक इट इजियर फॉर अ सिंगल पार्टी टू डोमिनेट द गवर्नमेंट, डी दे आर सिंपलर फॉर वोट टू अंडरस्टैंड यूज। तो राइट आंसर क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है प्रेफरेंसेस को सामने लाने का काम करती है, क्योंकि ये सीट्स को जो है नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग एलोकेट करती है, तो दे इंश्योर अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ वोट्स प्रेफरेंसेस इन द लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वोट्स को जो है के मुताबिक सीट्स को एलोकेट करती है, रिजल्टिंग इन अ मोर रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स लेजिस्लेचर, डाइवर्स लेजिस्लेचर तो और मोर रिप्रेजेंटेटिव है। क्वेश्चन नंबर एट, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट लीडरशिप, कौन से
सिस्टम में जो है, कौन से पार्टी सिस्टम में आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट जो है अक्सर जो है चेंज होती रहती है? ऑप्शन नंबर ए वन पार्टी सिस्टम, बी टू पार्टी सिस्टम, सी मल्टी पार्टी सिस्टम, या डी नो पार्टी सिस्टम। तो कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे अक्सर जो है गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है वो चेंज होती रहती है, ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है और कोलिशन गवर्नमेंट ब्रेक डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो है गवर्नमेंट लीडरशिप जो है चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच इलेक्टोरल सिस्टम इज डिजाइन टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ वेस्टेड वेस्टेड वोट्स एंड इनकर्स ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन? कौन से सिस्टम में क्या कि जो वोट की वेस्टेज है उसको कम किया जाता है और ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन को एनकरेज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पास द पोस्ट, बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सी सिंगल मेंबर प्लुरिटी, डी मेजोरिटेरियन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो वोट्स की वेस्टेज है बहुत कम होती है और इससे जो है डाइवर्स डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टीज के मेंबर्स को क्या होता है मौका मिलता है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम आर रन ऑफ इलेक्शन कॉमनली यूज? रन ऑफ मतलब जहाँ पे इलेक्शन जो है रिपीटली चलते हैं, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी फर्स्ट पास द पोस्ट, डी मेजोरिटेरियन। तो कौन से सिस्टम में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी मेजोरिटी है उसको अचीव करना होगा, तो जब तक वो मेजोरिटी नहीं अचीव होगी जो टॉप वाले कैंडिडेट होंगे वो दोबारा उनका इलेक्शन होगा। ठीक है, बिटवीन द टॉप कैंडिडेट, जो टॉप के कैंडिडेट होंगे अगर उनमें से किसी ने मेजोरिटी नहीं लाई है तो जो टॉप वाले कैंडिडेट उनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है मेजोरिटी को अचीव करना पड़ेगा। दिस सिस्टम इज यूजली यूज इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, फॉर फ्रांस में जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम? इनमें से किस कंट्री का जो मल्टी पार्टी सिस्टम की एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी यूनाइटेड किंगडम, या डी इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाकी जो चाइना देखोगे वन पार्टी सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, मल्टी पार्टीज विद न्यूमरस नेशनल रीजनल पार्टीज है कंपीटिंग इलेक्शन लीडिंग टू अ कोलिशन गवर्नमेंट एट बोथ नेशनल स्टेट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच इलेक्टोरल सिस्टम इज गैरीमैंडरिंग मोस्ट लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम? गैरीमैंडरिंग एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है या फिर सीट्स की जो एलोकेशन है वो अपने हिसाब से करना, ताकि जो भी उस पार्टी को जो है बेनिफिट करे, जो भी सरकार में है, सरकार जो पार्टी जो है रूलिंग में है वो सीट्स को जो है इस तरीके से एलोकेट करे ताकि उनको उसको उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, तो इसको गैरीमैंडरिंग कहते हैं। तो ये ज़्यादा चांसेस कौन से सिस्टम में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, या फिर सी डी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो किस में ज़्यादा चांस होते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जिसने भी ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स को अचीव करता है उसी को जो है सीट्स विनिंग डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें गैरीमैंडरिंग का ज़्यादा चांसेस जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है, क्योंकि सीट्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है उसी कैंडिडेट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उस सीट को उसी तरीके से अब मोड देना ताकि जो उस कैंडिडेट को बेनिफिट करे। तो ये गैरीमैंडरिंग जो है एक प्रॉब्लम है कहाँ पे? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोलिटिकल थ्यूरिस्ट इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? कौन से जो थ्यूरिस्ट हैं वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के लिए जाने जाते हैं? विच स्टेट दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग पोलिटिकल पार्टीज टेंड टूवर्ड्स ओलिगार्की, जो क्या हो जाती हैं ओलिगार्की की तरफ मूव हो जाती हैं, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेसी है, कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन धीरे धीरे वो ओलिगार्की टेंडेंसीज को अपना लेती हैं। तो ओलिगार्की टेंडेंसी मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल करते हैं, हालांकि आपको दिखने में लगेगा कि सब रूल कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी
चुन के जाते हैं, वो सभी जो है लोगों की बात रख रहे हैं, लेकिन हालांकि जो डिसीजंस हैं वो मेनली कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे आज भी देखोगे तो कैबिनेट में कुछ एक मिनिस्टर्स हैं जो मोस्ट 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 ऑफ द डिसीजंस को लेते हैं। हमें लगता है कि हमने 540-545 के हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुन के भेजा है, तो हमें लगता है कि सभी जो है फैसले ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है कैबिनेट में भी कुछ एक मिनिस्टर हैं जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन ले रहे हैं। तो इसलिए ये ऑलिगार्की की टेंडेंसी होती है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरफ मूव हो जाती है। तो किसका कहना था? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर, बी रॉबर्ट मिचल, सी एंटोनियो ग्राम्स्की, डी कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर किसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, रॉबर्ट मिचल कहते थे, वो आयरन लॉ ऑफ हायरार्की की देते हैं। उनका मानना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती हैं, जो क्या हो जाती हैं समय के साथ जो है ऑलिगार्की की तरफ मूव हो जाती हैं। वो अपनी किताब जो है पॉलिटिकल पार्टीज में इसको डिस्कस करते हैं, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के में। क्वेश्चन नंबर 14, विच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट इन अ डेमोक्रेसी एंड से देम एज असेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी। तो ये कौन से थिंकर, इस विच पोलिटिकल थ्योरिस्ट, किस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने जो है एम्फसाइज किया रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन, उसका मानना था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो डाइवर्स इंटरेस्ट को क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन करने का काम करती है, एंड साथ एम एज एसेंशियल, और वो प्लूरिस्टिक सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए एलेक्सिस डी टॉकविल, बी जॉन स्टॉट मिल, सी गेवनी सेरेटोरी, डी सैम्यूल मार्टिन लिप्सेट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, गेवनी सरश्री जो है वो राइट आंसर है। तो उन्होंने जो अपनी किताब पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेसी में जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय मार्क्यूस डिवर्जर, मार्क्यूस डिवर्जर जो इंपॉर्टेंट थिंकर थे किसको पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडीज किया उन्होंने, तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम, और इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम को जो उसके बीच में रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो किस कंसेप्ट के अंडर? ऑप्शन नंबर ए डिवर्ज लॉ, बी प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, सी मेजोरिटेरियन रूल, या फिर डी इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने जो है डिवर्जर लॉ दिया था जिसमें मार्कस डिवर्जर जो है वो रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, जहाँ पे वो सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम फर्स्ट पास अटेंड टू अ मेजर, वो मानते थे कि जो फर्स्ट पास था पोस्ट सिस्टम है वो कहाँ होगा? ज़्यादातर वहाँ पे होगा जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होगा, और जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा मोस्ट ऑफ द चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोलिटिकल थ्योरिस्ट वर्क ऑन हेजमोनी एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन पॉलिटिक्स हैज बीन इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी इन द स्टडी ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। कौन से जो है थिंकर ने जो है हेजमोनी का कंसेप्ट दिया, वर्क ऑन हेजमोनी एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, और जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका क्या रोल है इन पॉलिटिक्स हैज बीन इन्फ्लुएंस, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसकी स्टडी किसने की है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, बी मार्क्स वेबर, सी एंटोनियो ग्राम्स्की, या फिर डी फ्रेडरिक एंजल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ हेजमोनी तो आपको पता ही होगा, हमने कितने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लें प्रीवियस वीडियो में भी, तो आपको आई होप मालूम होगा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, एंटोनियो ग्राम्स्की, जो इन्होंने हेजमोनी का कंसेप्ट दिया, तो जो अपनी किताब जो है प्रिजन नोटबुक जो इंपॉर्टेंट किताब है वहाँ पे वो कल्चरल हेजमोनी का कंसेप्ट देते हैं, और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शेप करते हैं किसको पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ्स को, विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस इन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स विद इन एंड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 17, विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम इंक्लूड्स कैटेगरीज लाइक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन से जो है थिंकर ने जो है पार्टी सिस्टम को डिवाइड करने का काम किया बिटवीन अमंग डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ए एरन लिस्बर्ट, बी गिवनी सरश्री, सी सैम्यूर मार्टिन लिप्सेट, डी रॉबर्ट डॉल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है जियोवनी सरश्री। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर थे, इनकी मुख्य किताब है जैसे देखिए मार्क्यूस डिवर्जर और जो हमारे
जोवनी सश्री जो है ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम को लेकर। तो इन्होंने डिवाइड करने का काम किया बिटवीन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्टीज। उनकी किताब का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए चैनल के साथ। जल्दी जो है हम अब नए कंपोनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। किस कंपोनेंट को अब हम स्टार्ट करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं। थैंक यू आर